चलिए अगली खबर की ओर करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है रायपुर से ही। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक खैरागढ़ उपचुनाव पर बोले हैं धरमलाल कौशिक, बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरेगी। खैरागढ़ सीट बीजेपी बड़े बहुमत से जीतेगी। खैरागढ़ में 12 को वोटिंग है, 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। देवव्रत सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई थी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बयान। खैरागढ़ उपचुनाव पर धरमलाल कौशिक ने कहा, खैरागढ़ सीट बीजेपी बड़े बहुमत से जीतेगी। बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, ये कहना है धरमलाल कौशिक का। खैरागढ़ उपचुनाव पर धरमलाल कौशिक का बयान। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता भूजेंद्र का। भूजेंद्र लगातार बने हुए हैं। भूजेंद्र, धरमलाल कौशिक का बयान आया है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर, क्या कुछ जानकारी? जी पुनः बता दूं कि छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा आता है, जिसमें विधायक देवराज सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसको लेकर अब निर्वाचन आयोग की तरफ से भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। 12 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा के लिए उपचुनाव में वोटिंग होनी है, 16 अप्रैल को रिजल्ट भी आएंगे, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि इसमें भाजपा के प्रत्याशी को उतारा जाए। भाजपा के जो प्रत्याशी है वो भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, तो ये बड़ा दाव उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिलहाल 14 सीटें बीजेपी के पास है और 70 सीटें कांग्रेस के पास है, और ये जो देवराज सिंह थे वो जनता कांग्रेस जे के प्रत्याशी थे और उनसे चुनाव जीत कर आए थे, और उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। तो 12 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जनता कांग्रेस जे भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, साथ ही कांग्रेस का भी प्रत्याशी इसमें मैदान में आएगा, और बीजेपी ने भी अपना वादा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे दमखम के साथ बीजेपी चुनाव में उतरेगी, और उन्होंने दावा भी किया है कि बीजेपी की प्रत्याशी बहुमत के साथ जीतेगी। जी बिल्कुल, बहुमत के साथ जो है भूजेंद्र यहाँ पर दावा किया गया है। अगर हम देखें इस सीट की बात करें खैरागढ़ सीट की, तो क्या कुछ इतिहास इसका रहा है, और बीजेपी जिस प्रकार से दावा कर रही है तो कितनी चुनौती बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस को देती हुई दिखाई देती है? जी पूनम बता दूं, जो खैरागढ़ विधानसभा का सीट है वो राज परिवार का सीट कहा जा सकता है, क्योंकि देवराज सिंह राज परिवार से थे, वहां के राजा थे, खैरागढ़ जो साम्राज्य रहता है उनके राजा थे, वो लगातार देवराज सिंह के पाले में रहता था, या देवराज सिंह जिनको टिकट देते थे वो उनके पाले पे रहता था। अब देवराज सिंह के निधन के बाद वो सीट तो खाली हुई है, लेकिन अब देवराज सिंह के जाने के बाद वहां तो उनका वजूद क्या, उनके जो पुत्र जिन्होंने युवराज अभी युवराज का पदभार ग्रहण किया, तो किसके पाले में ये जाता है तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि भाजपा भी अपना जोर शोर लगाना, जिस दिन से उनका निधन हुआ उसके बाद से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हो गया, और कांग्रेस भी लगातार उस सीट को काबिज करने के लगातार अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास कर, वही जनता कांग्रेस की सीट से देवराज सिंह जीत के आए थे, तो बड़ी बात ये भी रहेगी, जनता कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी को लेकर लगातार विचार विमर्श कर रही है, और ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव हो सकता है। यह भी कह सकते हैं कि इस चुनाव के परिणाम आने से 2023 की रूपरेखा भी तैयार करने के लिए पार्टियों को समय मिल जाए, क्योंकि कितने पानी में है ये खुद ही पार्टियों को समझ आए, क्योंकि एक सीट पे उपचुनाव होगा और ये काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव होने वाला है। पुनः जी काफी महत्वपूर्ण उपचुनाव होने वाला है। भूजेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यहाँ पर धरमलाल कौशिक का बयान, बीजेपी की जीत का दावा किया, बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरेगी खैरागढ़ सीट, बीजेपी बड़े बहुमत से जीतेगी, ये दावा धरमलाल कौशिक की तरफ से किया गया है। 12 तारीख को वोटिंग होनी है और 16 अप्रैल को नतीजा आएगा, इसके बाद जो है स्थितियां भी साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएंगी। देवव्रत सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई।